mixture of religiousness and there are so many things in every painting. There's a certain mood. It's about Nandi, and every Nandi's eyes somehow are looking different to me, and every Nandi's eyes have a different expression. The way he's put all the Nandis, some have a stone effect, and some are symbolizing peace, and there are Nandis from all over the country, from different parts of the country. So it's, and then he's got Varanasi in the background. So it's actually, and the depth is what has caught me, the depth of the painting. So I think it's truly amazing. मैं बनारस की हूँ. शिव और नंदी से बहुत प्यार है, लेकिन नंदी का इतना प्राधान्य है शिव के लिए, क्योंकि नंदी ब्लेस्ड है कि वो जहाँ भी रहेंगे शिव उनके सामने रहेंगे. और नंदी शक्ति, धर्म और कर्म का प्रतीक है. परमेश्वर की इस पिक्चर में जो नंदी का एक स्वरूप है, आपने जो कहा था रौनक जी ने, कि हर आँख अलग अलग दिख रहा है, हर आँख में एक अलग प्रश्न है, कहीं शांति है तो कहीं कुछ प्रश्न है. ये इतना सुंदर जो थ्री डायमेंशनल जो इफेक्ट है इस पिक्चर में, बहुत भाया कि नंदी के पूजा के बिना आप शिव को नहीं पा सकते हैं. कैलाश मानसरोवर में नंदी ही गेट कीपर है. तो मैं नंदी जी के लिए एक स्तोत्र पाठ करना चाहूँगी कि इतनी सुंदर जो स्पिरिचुअल माहौल परमेश जी ने बनाए हैं, क्योंकि नंदी बिना शिव नहीं है. नंदी शक्ति स्वरूप माँ के रूप में सामने बैठी रहती है. ओम तत्पुरुषाय विघ्नहे चक्रतुंदय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्. ओम महाकालयम् महावीर्यम् शिववाहनम् उत्तमम् गणानामत्पा प्रथम वंदे नंदीश्वरम् महाबलम्. गणपति को सबसे पहले पूजा जाता है, और नंदी को शक्ति पाने के लिए, जिंदगी में ऊर्जा पाने के लिए पूजा जाता है. मैं परमेश जी के लिए प्रार्थना करती हूँ यही ऊर्जा उनका दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और नंदी छा जाए पूरा विश्व में शक्ति रूप में. ओके रौनक सर, आपने अपनी जी आप क्या कहना चाहेंगे? शोमा जी, दादा को कोटि कोटि प्रणाम सबको, और काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ पे, गेस्ट, मेहमान, भाई बहन सबको मैं धन्यवाद, स्वागतम. मैं काफ़ी मैसेज देना चाहता हूँ एग्जीबिशन पे. आज सारा वर्ल्ड में जो स्थिति है, जो नंदी एक्चुअली नाम है, लेकिन उसका अंदर में बहुत कुछ है, और उसको मैसेज देना चाहता हूँ. जो अभी वर्ल्ड में क्या स्थिति है, एनिमल्स का क्या प्रॉब्लम है, गांव-गांव में प्रॉब्लम चालू हो गया, तो वो उसको मैसेज देना है. और जो दीदी बताए, दादा जो बताए, जो आँख में अलग अलग मैसेज दे रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, स्टोन का कुछ नहीं है बहन, लेकिन स्टोन का तो अलग में कन्वर्ट किया, उसको अलग कंपोजिशन किया, अलग तरीका वो ड्राइंग को ब्रेक किया, तो 3D इफेक्ट में लेके आया, भी कंपोजिशन भी किया, तो इंस्टॉलेशन भी ऐसा ही किया, टोटली मिलजुल के करना है. वो एक बहुत सारे थॉट है, आप सोचो तो आपको सब मिल जाएगा. तो इसलिए तो मैं कॉन्सेप्ट यही है मैसेज देना चाहता हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया है आपने. चूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चित्र में एक विशेष बात है, ख़ास बात है. तो चूज़ करना मुश्किल है. एक बार फिर से घूमता हूँ और मन बनाता हूँ. निजी जिंदगी में आप कभी पेंटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि आपके बहुत से करीबी दोस्त जैसे सलमान हैं, वो भी पेंटिंग करते हैं. आप भी कभी आने वाले दिन में देखा जाएगा कि आप पेंटिंग करते हैं? जी नहीं. कोई शौक ऐसे ही या शौक मेरे बहुत हैं बेटा, मिलो तो बताता हूँ. पर पेंटिंग कला जो है वो क्या, मैं अलग किस्म का कलाकार हूँ, मेरी कला अलग है, इनकी कला अलग है. तो मुझे ब्रश पकड़ना तक नहीं आता. हाँ, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना कर सकता हूँ, तो समझ में आता है, लेकिन कर नहीं पाता. एकता मैम ने कल एक पोस्ट किया था मिस्टर बजाज का, और बोल रहे थे कि न्यू एकता बजाज.
न्यू एकता बजाज न्यू नहीं नया एकता कपूर बजाज एकता कपूर जी जी अब नर्वस हो रहे हैं आप कौन न्यू बजाज का जो न्यू बजाज का सर्च चालू हो गया है तो क्या जो नया आएगा ये कॉन्फिडेंट है क्या नाम है तेरा जो नया जो आने वाला है किरदार जो निभा पाएगा आपके क्योंकि जो प्यार आपको मिला है वो नहीं लगता नहीं कि वापस से जो आएगा जो उसे उतना ही मिल पाएगा आपका क्या है क्यों आपको ऐसा लगता है क्यों नहीं कर पाएगा देखिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि वो मुझे एक तो वो पात्र मिला और मिला तो फिर वो बन गया. देखिए कोई भी अभिनेता स्वयं अपने किरदार को नहीं बनाता है. उसमें बहुत लोग होते हैं लेखक होते हैं जो लिखते हैं आपका पात्र लिखते हैं. आपका नाम भी तो लेखक के वहाँ से या कलम से आता है तो फिर वो किस तरह से बोलेगा क्या बोलेगा ये सब लेखक देता है. फिर हमारे निर्देशक होते हैं जो हमको गाइड करते हैं. फिर हमारे प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा डालते हैं. तो वो अलग बात है. वो 7 साल हो गए 8 साल हो गए. ये 9वां साल चल रहा है कसौटी ख़त्म हुए और 9 साल बाद एक नया अध्याय कसौटी का शुरू हुआ है. तो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि एक बात कॉमन है तब में और अब में कि जो मुखिया है उस धारावाहिक की वो एकता कपूर है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो तब कर पाई हैं तो इस बार भी कर पाएंगे. सर हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. तो ऐसे कई एक्टर हैं जो नए अभिनेता हैं और जो ये रोल कर सकते हैं. तो उस समय भी बहुत लिस्ट में बहुत सारे नाम थे और इसलिए मैंने आदिल से कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला. तो अभी देखते हैं कौन आता है. स्मृति रानी पे जानना चाहूँगा आज इलेक्शन है जी. आपकी पोस्टर रह चुकी है जी. मेरी को स्टार रह चुकी हैं. मेरी बहन समान है तो हमेशा अपनी बहन के लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से वो हैं और मैं ये बात जानता हूं उनकी कि वो बहुत मेहनत करती हैं फील्ड पे ऑन ग्राउंड. तो मेरी शुभेच्छाएं उनके साथ और अच्छे खासे मैं चाहूंगा बहुमत से उनका विजय हो. किस पे क्या लगा है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है. और ये आर्ट की जगह है इसमें कहाँ क्या क्या लेके आते हैं. I've already given my best wishes. I didn't say? No. मैं आप इनसे मिलाना चाहता हूँ. और ये नंदिनी जी हैं और मैं परमेश जी के लिए यहाँ आया हूँ. उसकी एक वजह उसका एक कारण नंदिनी जी भी है क्योंकि परमेश जी का एक संदेश नंदिनी जी के थ्रू आया और वो बड़ा ही भावुक मैसेज था. और नॉर्मली मैं इतना दूर आता नहीं हूँ. आप सबको पता है मैं घर से नहीं निकलता. लेकिन वो संदेश मुझे यहाँ तक लेके आया और परमेश जी का मैंने काम देखा और मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ आया. परमेश जी को बहुत बहुत बधाई और आगे जो भी काम करना चाहे उसमें वो सफलता पाए. मैंने देखा कैसी लगी. बहुत अच्छा है. परमेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और जो गैलरी का मैं इंचार्ज बहुत साल से था आर्टिस्ट सेंटर वहाँ पे इनकी एक शो हुआ था काफ़ी साल पहले. तब से मैं इनको जानता हूँ ये बनारस का और अभी ये लेटेस्ट ये नंदी सीरीज कर रहे हैं. और जो भी ये काम पेंटिंग जो करते हैं ये दिल से करते हैं क्योंकि इनका जन्म उसी इलाके में हुआ. और वो कहते हैं कि जो बच्चा जब पल रहा है उसका परवरिश हो रहा है उसी टाइम पे उनको ये सब देखने को मिला परखने को मिला उसके अंदर वो जो
खूबसूरती है, उसका भक्ति रस है, ये सब चीज़ को इन्होंने बहुत महसूस करने के बाद ये पेंटिंग बाहर निकल गई। इनका जो जो पेंटिंग में जो बातें बनती है, जो जो शोर जो सके डाकमा वो दिखते हैं, तो ये काफ़ी मेहनती भी है। और हमारे जैसे आजकल का कंटेम्प्रेरी आर्ट में, फिगरेटिव आर्ट में इनका नाम आता है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी में काफ़ी अलग अलग जॉनर्स होते हैं, और इन्होंने ये फिगरेटिव और रियलिज्म को जो जो कहते हैं कि ये इसको कई लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये अभी कंटेम्प्रेरी में आता है कि नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ क्यों नहीं, अगर आप अच्छा काम उस जॉनर में करते हो, और ये चीज़ अभी इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ को ये डिपेंड कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, और उसमें मिनिमलिज्म भी आता है, लेकिन वो डिटेल उनका दिखता है, और उसमें वो जो दिखना चाहिए, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आर्ट का एक अपना एक जगह है, वो जगह में इनका काफ़ी नाम है। जैसे बहुत कम आर्टिस्ट आजकल ऐसा काम करते हैं, और इसमें मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे मित्र भी हैं, ये लास्ट टाइम इन्होंने उनका शो इधर ही बड़ा हॉल में हुआ था, आशा जी आए थे, और मैं जैसे बोले फिल्म मेकर भी हूँ, तो आशा जी से दोबारा मुलाकात हुई, मेरी फिल्म कादम्बरी फिल्म बनाई थी मैं, उसमें आशा जी का अंबर की पाथुराई बादल का एग्जाम था, तो चांदनी पिया है बात कुछ वो गाना मेरे फिल्म के गाने, तो मैं बोला यार ये परमेश जी के द्वारा ही उनसे भी मुलाकात हुई। ऐसे कई सेलिब्रिटीज आज भी कई सेलिब्रिटीज आए हैं, तो मुझे अच्छी लगी आज कि उन्होंने बुलाया तो मैं आया, तो बहुत खुशी की बात है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पेंटिंग बहुत ही अच्छी है, और बहुत दिन से देख रहे हैं, मेहनत से और अपना मन से पेंटिंग करते रहते हैं, और काफ़ी अच्छा हो रहा है, दिन के दिन और भी अच्छा करेगा। मैं तो हमारा रहता ही है, क्योंकि वो मेरे भाई जैसा है और छोटा है, तो गुड विश हमेशा रहता है, और पेंटिंग जब होता है मैं देखते रहता हूँ, बुलाते हैं कि पेंटिंग देखो कैसे लग रहा है, तो मैं देखता हूँ, मेरे बाजू के सामने ही है घर के, तो हम लोग स्टूडियो आजू बाजू में हैं, तो अच्छा है कॉन्सेप्ट। ओके सर, आपने प्रमोश पॉल की पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, और उनका जो सब्जेक्ट है बनारस घाट अपने आप में ही एक पेंटिंग है, इतना बढ़िया पेंटिंग है, उसके बारे में जितना कहें कम है, वहाँ की नदी बोट्स और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, जो बनारस जो नाम है बहुत पुराना है, हमारा जब से हिंदू जिसे हम बोलते हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ है बनारस, वो तो अपने आप में एक महान पेंटिंग है। और इनका काम जो नंदी का काम किया है बहुत ही हाईली रियलिस्टिक काम किया है इन्होंने, और बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, बहुत खुशी हो रहा है, जो कलर में डेप्थ है, जो ड्रॉइंग है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सर, आपने अभी प्रमेश पॉल जी की पेंटिंग देखी, तो कैसी लगी आपको? पेंटिंग तो बहुत अच्छी लगी, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि उनका शो सक्सेस हो और उनकी पेंटिंग सेल हो। और परमेश जी को तो हम लोग काफ़ी सालों से जानते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली जो उनका बनारस घाट का पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, बट इस बार उन्होंने नंदी को ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, जो कि शिव जी का मतलब वाहन माना जाता है, प्रतीक है, और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने काम किया है, और स्पेशली जो नंदी का जो टेक्सचर जो एक फीलिंग होता है उसको प्रॉपर उन्होंने एक लेके आया है, और बहुत अच्छा लगा काम देख के, मज़ा आया। Oh, his paintings are fabulous, and especially Ganga Ghat and his new series of Nandi is just out of the world. And what do you like the most about the painting? What is the most? I like the way he creates the reality in, you know, it doesn't look like a painting. It looks as if you are touching a stone sculpture. It is not like, you know, it has the 3D effect to his paintings, has that. So it's like as if you are there and you are seeing the Nandi, or you're seeing the backdrop of the Ganga Ghat, and it's the fusion which is just outstanding. His
anyway, like Parmesh's paintings are outstanding, and I'm a big fan of his. So, and what else? I think. Lastly, any wish you like to do? Good wishes. I wish him the very best, and I wish that he soars the sky, touches the sky with his art, and I wish him the very, very best. Thank you so much. Okay sir, आपने अभी just Pramesh Pawarji की exhibition देखी, painting देखी, कैसे लगे? भाई हर कलाकार का अपना एक ढंग होता है, और painting एक ऐसी दुनिया है कि उसको करने के लिए इस धरती पर ईश्वर की कृपा से कलाकार आता है, और हर कलाकार की अपनी एक खूबसूरत सोच होती है और उस सोच को पेंट करता है। समाज का एक दर्पण होता है जिसकी वजह से वो हर चित्रों को बड़ा खूबसूरती से पेश करता है। उसमें परमेश ने बहुत बढ़िया काम किया है, और बढ़िया करने की कोशिश करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो भी काम है मैं देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट लिया है नंदी का, जो आज के हिसाब से एक पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइन मैं समझता हूँ। अरे हमारा छोटा भाई है, बहुत मेहनत करता है, और हम तो हर आर्टिस्ट को चाहते हैं कि भाई खूब मेहनत करो और काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि जब तक आप किसी भी काम में 100 नहीं दोगे वो काम का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। Well, this time I like painting very much, this far better, in fact better work than earlier, more matured, more versatile, there are new elements, so I liked it better than before, obviously. Okay, so one thing you like the most about the painting of today's? Sorry? One thing you like the most about today's painting? Actually, every time there was good work, but there was very typical, a lot of repetition. This time the best thing is there is a lot of new elements is added, it has given new dimension of painting. So I like it more. So that is one good thing. Though subject is more or less same, but still it looks different. There are new elements coming in. Yeah, I like this artist very much. I hope he'll go very far. I wish him all the best. He's a good artist, undoubtedly. Thank you. अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं इनको काफी सालों से जानता हूँ। जितना मैं देख रहा हूँ उतना ही उनका जो पेंटिंग है वो और भी अच्छा हो रहा है। काफ़ी डिटेलिंग में वो काम करते हैं, और मुझे ये अच्छा लगा कि ये जो बनारस और ये जो सारे जो धर्म क्षेत्र है उस जगह में, उस जगह का जो सिचुएशन है, उसका जो चित्र वो बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे हैं। इससे पहले भी मैंने देखा था इनका, और अभी जो नंदी के ऊपर जो काम कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नंदी के ऊपर इस तरह से काम करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं है। ओके सर, आप बहुत टाइम से जानते हैं प्रमेश पौजी को, तो एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग के बारे में, वो ये है कि डेडिकेशन है। दैट्स द मेन थिंग, द डेडिकेशन एंड हिज थॉट, द वे ही थिंक एंड द वे ही इमेजिन एवरीथिंग, यू नो, यू कैन सी इन द पेंटिंग, यू नो, द जिस तरह से वो उसको डिफाइन करते हैं, सिचुएशन को जिस तरह से तैयार करते हैं, उसके साथ साथ पर्सपेक्टिव के साथ 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 उसका जो डेप्थ क्रिएट करते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल में बहुत बढ़िया लगता है मुझे। एंड उसके साथ साथ लाइट एंड शेडो का भी जो काम है वो भी बहुत बढ़िया है। द कलर ऑल्सो बहुत ही अच्छा है, मतलब आई लव इट। बट अच्छा, बेस्ट विश यही है कि भाई काम करते रहो और अच्छा काम करते रहो, और हम देखे और भी ज्यादा खुश हो जाए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके, सो मैम, जस्ट नाउ यू हैव सीन द अदर एग्जीबिशन, सो हाउ वाज एग्जीबिशन? आई एम सोनाली आयंगार, आई एम आल्सो एन आर्टिस्ट हैविंग कंप्लीटेड मोर देन 100 एग्जीबिशंस, अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, एंड आई बिल्ड म्यूजियम्स, बट आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच वंडरफुल हेवनली नंदीज एवर इन माय लाइफ। गॉड ब्लेस माय फ्रेंड, एंड ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब, एंड सच अ fine work he has done out of it, really. I suppose the people of Mumbai, India, and even far and wide, they would love to see this very different aspect of Banaras. I wish him. The one thing you like the most about today's painting? The one thing I like most.
most of it is Indian. There is a Nandi, which I see over here. I think the combination of the red, the brown, the grey, or jo phool vagara unke upar hai, so it is so divinely, because I'm a spiritual person also, and how it has helped me in my own journey in achieving a lot of things in my background, which I'm not talking now, but just as an artist. But it is a very spiritual journey of his, and I really wish him and family, and his family and his wonderful child, all the best. I'm sure that he is seeking some heavenly light through his paintings, which I can see a divine light through his paintings. Thank you. You feel very happy, and you know, a certain sort of bliss to see his works. Thank you so much. Thank you. Rolling. So just now, अभी आपने देखा परवेश पांची की पेंटिंग को कैसी लगी? बहुत ही अच्छा लगा. Actually, परवेश वाले हमारे खूब close friend, और बहुत दिन थे के और काज देखा आज़ची. বেনারস, বিশেষ করে বেনারস ঘাটের উপরে যে সমস্ত কাজ ও করেছে, একবারে বিশেষ বিশেষ স্থান বলা যেতে পারে আর্টের একটা হিস্ট্রিতে. আর এবার নন্দী নিয়ে যে সমস্ত কাজ করেছে, এটা একটা বিশেষ ধরনের কিছু করতে চেষ্টা করেছে. অবশ্য হয়েছে খুব ভালো, কারণ কি এইভাবে স্রেফ নন্দীর উপরে এরকম পেন্টিং বেনারসের ঘাটের সঙ্গে কম্পেয়ার করে এরকম হয়তো আগে বেশি হয়নি. হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে. অন্য হ্যাঁ অন্য আর্টিস্ট থেকে ডিফারেন্ট বলতে, সবার সাবজেক্টের মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়. হ্যাঁ, নন্দী নিয়ে তো অনেকেই কাজ করেছে, আর বেনারস ঘাট নিয়েও অনেকেই কাজ করেছে, কিন্তু ও একটা ফিউশনের ব্যাপারে নিয়ে এসছে, এটা পরে অ্যাডিশন বলা যেতে পারে. যেমন এই পেন্টিংটা বেনারস ঘাটের সঙ্গে নন্দীর একটা মিক্স ম্যাচ যে করেছে, এটা ওর একটা ফার্স্ট স্টেপ বলা যেতে পারে, বা ফিউজেন. এখন যে মডার্ন যে ট্রেন্ড চলছে, একটার সাথে আরেকটা অ্যাড করে কিছু দেখানো, এটা ওর খুব ভালো জিনিস. হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, আমি হচ্ছে সিনিয়র. হ্যাঁ, অবশ্যই আমার তরফ থেকে বেস্ট উইশেস রইল, ফিউচারে এরকম আরও কাজ করুক, আর দুনিয়া পৌঁছাক, শুধু ইন্ডিয়া নয়, ইন্ডিয়ার বাইরে. হ্যাঁ, এটাই আমার প্রার্থনা থাকলো ওর প্রতি. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ. বহুত খুবসূরত, বহুত অচ্ছি. জব মে উনকি পেন্টিং দেখতি হুঁ, তো মুঝে হামারা যো ভারতীয় যো সংস্কৃতি হ্যায় হামারি, আর হামারা যো কালচার হ্যায় উসকে দর্শন হোতে হ্যায়. আর জেসা কি মে দেখ রহি হুঁ, আজ টেকনোলজি কে দৌর মে হামারি যো সংস্কৃতি হ্যায় না, ও কহিন না কহিন খোতি যা রহি হ্যায়. और जो हमारे पुराने संस्कार, जिस जो हम छोटे से बड़े हुए जिन संस्कारों को लेके, अभी जो नई पीढ़ी में वो संस्कार बिल्कुल देखने नहीं मिलते हैं. तो जब इस तरह की पेंटिंग जो बनारस के जो घाट और नंदी और जो उन्होंने बनाया है, तो इससे मुझे लगता है कि ये एक मैसेज भी है, उनकी पेंटिंग के थ्रू मैसेज जाता है कि हमें अपनी जो विलुप्त होती जो संस्कृति है उसको बरकरार रखना है. और वो ही मतलब हमारी जो धुरी है, हमारा जो केंद्र वो ही है, उसको यदि हम नकारेंगे ना, तो फिर हम ठीक से शायद जी नहीं पाएंगे. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा. यहीं पर ही बॉम्बे में इन्होंने जो गंगा का माँ का दर्शन यहीं पर ही करा दिए, और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है. और परमेश जी को बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, जो इन्होंने स्टडी की है बनारस पे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा काम किया है. और हमारी शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही अच्छा काम करते रहें. ऑल द बेस्ट, थैंक्स. थैंक यू.